किन्नौर के पास बुधवार को बर्फ ग्लेशियर की चपेट में दब जाने से शहीद हुए राकेश कुमार जहां पर फौजी परिवार से संबंध रखते थे, वहीं उनके परिवार में उनके दोनों चाचाओं ने फौज में अपनी सेवाएं दी हैं। गत दिवस ये जैसे ही समाचार उनके घर पहुंचा कि राकेश कुमार शहीद हो गए हैं और पूरा गांव के लोग रिश्तेदारों सहित उनके घर पे इकट्ठा हो गए। महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल है, लेकिन वहां पहुंचे रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों को एक बात का मलाल जरूर है कि दोपहर से लेकर शाम होते होते भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या नेता शहीद के परिवार को ढांढस बंधाने उनके पैतृक गाँव नहीं पहुँचा। जबकि शहीद राकेश इकलौता बेटा था और उनके पिता भी अपाहिज हैं। उन्हें मलाल है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सूचना देने तक नहीं पहुंचा और ना ही ये बताया गया कि कब राकेश कुमार का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा। हेड कांस्टेबल राकेश कुमार 7 JK राइफल में 20 वर्षों से कार्यरत था। राकेश कुमार के दो बेटे मनीष और विवेक और पत्नी ममता कुमारी को पीछे छोड़ गए हैं। बड़ा लड़का मुनीश 10वीं में पढ़ता है, जबकि छोटा बेटा विवेक 8वीं का छात्र है। वहीं अपने माता कौशल्या और पिता चिरंजी लाल का वे इकलौता बेटा था और 4 बहनें जिनकी शादी हो चुकी है पीछे छोड़ गए हैं। चिरंजी लाल IPH विभाग में सेवानिवृत्त हुए हैं और 2 वर्ष पहले इन्हें पैरालिसिस का अटैक भी हुआ है। अभी भी पैरालिसिस से ग्रस्त चिरंजी चिकित्सालय में अपना इलाज भी करवा रहे हैं। हादसे में शिकार हुए राकेश कुमार ने +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलाई से की थी। राकेश कुमार के सहपाठी रहे चमन ने बताया कि राकेश कुमार काफी मिलनसार और बहादुर थे और स्कूल टाइम से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। अभी राकेश जो किन्नौर में शहीद हुआ है उसके घर से आ रहा हूँ और उससे उसके घर वालों का दुख नहीं देखा जा रहा। उसके पिता चिरंजी लाल जी अपाहिज हैं, जो बेड पे बैठे बैठे सुनी आंखों से अपनी बेटे की डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, प्रशासन का कोई आदमी सांत्वना व्यक्त करने वहाँ नहीं पहुँचा है। पूरा परिवार बैठा बैठा डेड बॉडी का इंतजार कर रहा है, गांव वालों के साथ बैठ के। उसकी मिसिस ममता देवी और बच्चे, 2 लड़के हैं, बड़ा बेटा 10th क्लास में पढ़ता है, छोटा बेटा 6th क्लास में पढ़ता है, वो बैठे बैठे वेट कर रहे हैं अपने पापा की अंतिम दर्शनों का। मेरा आपके थ्रू प्रशासन से अनुरोध है, कृपया प्रशासन की आंखें खोलें और जो भी परिवार को पर मदद मिल सके डेड बॉडी लाने में तो वो करिए। धन्यवाद। उनके चाचा विधि सिंह ने बताया कि उन्हें जो सूचना मिली है वे मात्र फौज से मिली है। मौसम खराब होने के कारण अभी शहीद का पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंच पाया है। ये मेरा हमारा आरोप है DC बिलासपुर के ऊपर, आरोप है माँ बाप का कि 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी, कहाँ पड़ी है, कहाँ है कहाँ नहीं है, बर्फ में है पहाड़ में है कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ कोई टेलीफोन नहीं थी, लेकिन ब्लॉग वीडियो तक नहीं आया, तहसीलदार तक नहीं आया। क्या ये फौज में नहीं था? ये फौजी नहीं करते हैं। HTD के लिए बिलासपुर से जम्बाल की रिपोर्ट।